अब तक आपने समुद्री बीच पर लोगों को मौज मस्ती करते हुए ही देखा होगा, लेकिन अब जरा बीच पर चल रही क्लास की तस्वीरें भी देख लीजिए। बच्चे कोरोना काल में भी कैसे पढ़ सके, इसका हल ढूंढने के लिए स्पेन के मार्सिया में ये पूरी तैयारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पे मास्क के साथ यहाँ बच्चे पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ रहे हैं। बीच पर ब्लैक बोर्ड भी लगाया गया है ताकि बच्चों को अच्छे से समझाया जा सके। इस नई पहल से बच्चे काफी खुश हैं क्योंकि लंबे समय बाद वो एक बार फिर से क्लासरूम में पहुँचे हैं। यहाँ क्लास सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाती है और 20-20 मिनट के 8 पीरियड चलते हैं। इस स्कूल में 3 से 12 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं। समुद्र पर चल रही ठंडी हवाएं बच्चों को खासा लुभा रही है। हालांकि लहरों की आवाज की वजह से शिक्षकों को ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा करने में यहाँ के टीचर्स को कोई खास दिक्कत भी नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इस दौरान मौज मस्ती करने का भी जमकर मौका मिल रहा है, इसलिए अपने इस नए स्कूल से वो काफी खुश हैं।